जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाई साहब अभी तक क्या होता सीन कि आज पड़ गया संडे, तो आज वर्कआउट करने का कोई सीन नहीं था। तो सुबह तो क्योंकि वर्कलोड काम बहुत ज़्यादा हो जाता, अभी भी देखिए मैं गैराज पे ही था। तो अभी अभी जस्ट खाली होके और खाली हुआ तो चलो वर्कआउट करना। वर्कआउट में बेसिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करना है, स्किप नहीं करना है। डाइट में क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो बस खाली क्या आज का वर्कआउट में क्या करेंगे हम, पूरी बस कार्डियो सेशन और जैसे नॉर्मल वर्कआउट होता है वो सब करें, ताकि बॉडी अच्छी खासी पंप अप रहे। बॉडी को रोज़ का एक रूटीन तरीके से फॉलो करना है। 108 दिन का दिन है, तो आज भाई साहब तीसरा दिन है। तो चलो फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको भाई साहब, आपको अच्छा खासा पहले स्ट्रेचिंग ले लेना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आप इंजरी से बचे रहेंगे। कोई सा वर्कआउट आप कभी भी जिम नहीं करें, आप बाहर करें, कभी करने से पहले सबसे पहले आपको कर लेना है अच्छा खासा स्ट्रेचिंग। और ये सब जो स्ट्रेचिंग है ये सब भाई साहब आपको ग्लूट्स वगैरह हैमस्ट्रिंग वगैरह वर्क आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। फिर उसके बाद आपको करना है कम से कम 50 पुशअप्स करना है, वो भी आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जितने भी सेट पूरा कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। इस पर आपको डायमंड पुशअप करना है, सकता है शोल्डर प्लस आपका ट्राइसेप की मसल ट्रेन हो जाएगा। ये भी आपको लेना है 30 से 40 रात कम से कम, जितने भी सेट में आप पूरा कर ले। फिर इसके बाद आपको मारने मारने ये बन जाता है कि मारने कम से कम 100 से 150। और फिर इसके बाद अच्छा खासा कुछ ये आपको होल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, आपका लेग भी इसमें अच्छा खासा इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर इसके बाद ये देखिए बात इस पोस्चर में, एक्चुअली क्या है कि पोस्चर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एकदम। आप चाहे से बात अगर आपको स्टार्टिंग भेजो तो आप धीरे धीरे आराम से भी कर सकते हैं। फिर आपको करनी डन बैठ की भाई, ये एक नंबर का बेसिक का सबसे अच्छा कार्डियो वर्कआउट है। आपका कोर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, आपका लेग भी अच्छा खासा बन जाता है, ट्रेन हो जाता है। सबसे बड़ा आपका साइड वाली फैट है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप ये सब एक्सरसाइज अपने बॉडी में वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मेरे पास भाई साहब डीसी डंबल पड़ा हुआ था जो मैंने खुद घर पे बना रखा था, उस डंबल से मैंने मारे भाई साहब। ये डीसी जो अखाड़े में वर्कआउट होता है इससे आपका पूरा अच्छा खासा शोल्डर अपर बॉडी पंप हो जाएगी अच्छी खासी, और आपको ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज में और कुछ करना नहीं। ये आपको कम से कम 50 से 60 बार करना है। और इसका ये सब करने के बाद मैं निकल जाता हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे पास शूज़ वगैरह नहीं थे, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ ऐसे स्लीपर पहन के टहलने के लिए। और ये भाई साहब मैं कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर वॉकिंग कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा अच्छा खासा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, स्टेमिना थोड़ा इंक्रीज हो जाता है अच्छा खासा अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात भाई साहब आपको क्या है कि ये मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो भाई मैंने रोड पे ही क्या करा, हाईवे पे ही रनिंग करना स्टार्ट किया। ज़्यादा रनिंग जरूरी नहीं कि अगर आप बिगनर आपको रनिंग ही करना है, आप अच्छा खासा वॉकिंग भी कर सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर, वो भी मोर देन सफिशियंट आपको अपर बॉडी लोअर बॉडी सारी बॉडी ट्रेन करनी है। तो भाई साहब लास्ट फाइनली मैं थका हारा आता हूँ अपने गैरेज पे। वर्कआउट पूरा आपका पूरा हो गया अच्छा खासा, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगे तो कमेंट से जरूर बताना। फिर इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आप प्यार थोड़ा सा बसाते रहो थोड़ा सा। और जो भाई जिसको 108 दिन टोटल फॉलो करना है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा का पूरा, बस जो कर रहा हूँ करते चले जाओ। और डाइट वगैरह की चिंता मत करना, डाइट वगैरह मैं बता दूँगा प्रॉपर वे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।